मेरा नाम है अश्वत्थामा, मैं अभी भी जिंदा हूं। 5000 साल से इसी किले में आज भी जिंदा है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा रोजाना करता है इस शिवलिंग की पूजा। महाभारत में अश्वत्थामा एक ऐसे योद्धा थे जो अकेले दम पर संपूर्ण युद्ध लड़ने की क्षमता रखते थे। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के श्राप की वजह से अश्वत्थामा आज भी धरती पर भटक रहे हैं। समय समय पर लोग इस बात का सबूत देते रहे हैं, जिनमें से एक है असीरगढ़ किले से जुड़ी एक कहानी। असीरगढ़ किला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में सतपुड़ा पहाड़ियों की शिखर पर समुद्र सतह से लगभग 750 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। बुरहानपुर खंडवा से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। ऐसा माना जाता है कि असीरगढ़ किले के शिव मंदिर में अश्वत्थामा प्रतिदिन सबसे पहले पूजा करने आते हैं। शिवलिंग पर प्रतिदिन सुबह ताजा फूल और गुलाल चढ़ा मिलना अपने आप में एक रहस्य है। कहते हैं कि किले में स्थित तालाब में स्नान करके अश्वत्थामा शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने आते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि पहाड़ की चोटी पर बने किले में स्थित यह तालाब बुरहानपुर की तपती गर्मी में भी कभी सूखता नहीं है। तालाब के थोड़ा आगे गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है। मंदिर चारों तरफ से खाइयों से घिरा है। कहा जाता है कि मंदिर के चारों तरफ जो खाइयां हैं उन्हीं में से किसी एक में गुप्त रास्ता बना हुआ है जो खांडवा मन से होता हुआ सीधे मंदिर से निकलता है, और इसी रास्ते से होते हुए अश्वत्थामा मंदिर आते हैं और पूजा करते हैं। मान्यता है कि असीरगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश के ही जबलपुर शहर के गौरीघाट नर्मदा नदी के किनारे भी अश्वत्थामा भटकते रहते हैं। स्थानीय निवासियों के मुताबिक कभी कभी वे अपनी मस्तक के घाव से बहते हुए खून को रोकने के लिए हल्दी और तेल की मांग भी करते हैं। गांव के बुजुर्गों की माने तो एक बार जो अश्वत्थामा को देख लेता है उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। बता दें कि धरती पर हनुमान जी सहित कुल 8 लोग अमर माने गए हैं, जिसमें अश्वत्थामा का नाम भी आता है। अश्वत्थामा के धरती पर भटकने के पीछे की कहानी ये है कि पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु ने अश्वत्थामा को विचलित कर दिया था। महाभारत युद्ध के बाद जब अश्वत्थामा ने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए पांडव पुत्रों का वध कर दिया और पांडव वंश के समूल नाश के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, तब भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा कर दंड स्वरूप अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि ले ली और उन्हें तेजहीन कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने अश्वत्थामा को युगों युगों तक भटकते रहने का श्राप दे दिया।